स्कूल के लिए। में डायलिसिस जो है तकरीबन 16-17 साल से चल रहा है, तो ये पहला वो बनाया गया था। तो पहले स्टार्टिंग में 200-300 डायलिसिस यहाँ होते थे और बाकी जम्मू सिटी में और भी कोई डायलिसिस सेंटर आया नहीं था, और मेडिकल कॉलेजेस में भी उस वक्त 2-3 मशीनें होती थी, तो बड़ा कम लोड होता था पेशेंट का डायलिसिस या किडनी डिजीज का। लेकिन इतने सालों में ये साल बाद साल जो लोड है पेशेंट का, जो नंबर है वो बढ़ते जा रहा है, और अभी प्राइवेट में और भी सेंटर बड़े खुल गए हैं। तो यहाँ पे इस वक्त एक महीने में 1000 डायलिसिस सेशन हो रहे हैं। तो पूरे जम्मू में मेरे हिसाब से कोई अराउंड 5000 पर मंथ डायलिसिस सेशन हो रहे होंगे, जो हर एक साल में पूरी वर्ल्ड में वर्ल्ड किडनी डे और पूरा एक हफ्ता ही मनाया जाता है जिसमें लोगों को किडनी डिजीज के बारे में अवेयर किया जाता है। और ये सेकंड वीक थर्सडे जो होता है, मार्च का सेकंड थर्सडे, उस दिन ये मनाया जाता है। और इसका जो मेन पर्पज है, लोगों को किडनी डिजीज के बारे में अवेयर किया जाए ताकि उनको मालूम हो कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ड्रग्स, इनके कारण किडनी डैमेज हो सकती है, और ये लोग अपनी डिजीज के बारे में जानकारी रखें और उसके लिए प्रिवेंशन करें। ओबेसिटी, जंक फूड, एनाल्जेसिक्स, और कई बार देखा गया कि कई लोग जो जिम में जाते हैं वहां पे स्टीराइड्स ले रहे हैं, एनाल्जेसिक ले रहे हैं, हाई प्रोटीन जो प्रोटीन पाउडर जो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, उसके कारण भी लोगों का किडनी डैमेज हो रहा है। तो ये हमारा पर्पज है कि लोगों को प्रेस के जरिए अवेयर किया जाए ताकि वो अपनी डिजीज जो है उसका अर्ली डायग्नोसिस करें, और डायग्नोसिस के साथ उसकी जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर तरीके से किए जाए, और कोई देसी ड्रग्स, कोई क्वैक्स ड्रग्स, कोई पेन किलर ओवर द काउंटर वो ना लें जिसके कारण उनके जो किडनी का डैमेज हो जाए। 17 से वी स्टार्टेड डायलिसिस, आज बराबर 6 साल हो गए। बहुत अच्छी सुविधा है, वेरी गुड। हमें सुविधा तो चाहिए टेक्निकल स्टाफ की, ये कैसे करते हैं, ये दे आर मैनेजिंग थिंग्स वेरी नाइसली, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इनकी निगरानी है डॉक्टर बाली साहब के अंडर, ये जो कर रहे हैं दे आर डूइंग वेरी गुड। तार सिंह है, 2009 से डायलिसिस करवा रहा हूँ, 15 साल हो गए मेरे को डायलिसिस कर रहे हैं। बी एन में ही मैं 15 साल से डायलिसिस करवा रहा हूँ। इसके बाली सर से ही मेरा ट्रीटमेंट सारा चलता था, और यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, तो मेरे को बहुत सुविधा में यहाँ मिलती है। कंप्रोमाइज सारा स्टाफ, कंप्रोमाइज ऑल स्टाफ इज वेल। मैं 2011 से यहाँ डायलिसिस करवा रहा हूँ, तो यहाँ सब कुछ ठीक है। मुझे कभी भी प्रॉब्लम आई तो एट ए टाइम फ़ोन किया, तो यहाँ पे इन्होंने अपनी सर्विस दी। जो यहाँ का स्टाफ है वो बहुत अच्छा है, जब भी आप फ़ोन करो कोई भी परेशानी हो डायलिसिस में, अगर आपको चाहिए तो वो ये प्रोवाइड कर देते हैं। आयुष्मान से चल रहा है मेरा डायलिसिस, पहले पेमेंट से चलता था, मगर ये मतलब कि आपने जो हमारे बाली सर हैं, भला सर, उन्होंने उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने कंसेशन दी थी डायलिसिस में। पहले तो कहाँ पे करवा रहा हूँ, 2011 में, मतलब 2005 में मैंने ट्रांसप्लांट करवाया था, तो 2010 में जो ग्राफ्ट नेफ्लेक्ट खराब हो गया, तो 2011 से लेके अब तक यहीं से डायलिसिस हो रहा है।